वेलकम बैक गाइस, वैरागी ट्रैवलर्स। तो हमारे पीएम मोदी साहब ने आज अहमदाबाद से लेकर के केवड़िया के लिए नई जनशताब्दी शुरू की है, जिसका मेन हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो सिस्टम कोचेस है। और यह ट्रेन जो है 3:20 पर अहमदाबाद से चलेगी और 6:20 पर सेम डे केवड़िया स्टेशन पर पहुंचेगी इस ट्रेन की। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त में से एक मूर्त है। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस डब्बे के कोचिस पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट दिए गए हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इको टूरिज्म और जंगल सफारी। और इसके साथ साथ जो है एकता क्रूज वगैरह जो कि अभी नया ही ऐड किया गया है इसके अंदर। और इसके अलावा चिल्ड्रंस न्यूट्रिएंट पार्क है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, कैक्टस गार्डन है जो कि कांटे का एक बगान है, और बटरफ्लाई गार्डन है। और इसी प्रकार के कई हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ फोटो गैलरी भी मौजूद है। यह भरूच के पास स्थित एक टूरिज्म प्लेस है जो केवड़िया जिले में पड़ता है। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी हुई है। और अब बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो इस ट्रेन के जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इसके अंदर जो है ये जो चेयर है, सीट्स जो 360 डिग्री घूमती है, अगर आप चाहें तो आसानी से इसको मतलब मोड़ सकते हैं और आराम से जैसे मन करे वैसे बैठ सकते हैं। और उसके बाद इसका हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो है सनरूफ। इस विस्टम कोच में सनरूफ भी लगे हुए हैं जो कि ऊपर साइड में देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और काफ़ी आकर्षित करते हैं टूरिज्म को और टूरिस्टों को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए इस कोचेस का निर्माण किया गया है। और इसके जो ग्लास है वो काफ़ी ही बड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखने में कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। ये इस कोच की वीडियो है तो आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी प्रकार की 6 ट्रेनें निकाली गई हैं और जिसमें कि 2 EMU है। और बाकी आप इस वीडियो को देख लीजिए, अधिक जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग।